अलीगढ़ में खैर रोड स्थित श्री खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज मंदिर पर लखी मेला छठ देव 2023 का आयोजन 21 सितंबर से 19 सितंबर तक किया जा रहा है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद प्रतियोगिता, विराट कुश्ती दंगल, रागनी कार्यक्रम, रसिया दंगल, संगीत सम्मेलन आदि का आयोजन होगा। श्री सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम दाऊजी महाराज प्रबंधन समिति ग्राम सभा हरिदासपुर द्वारा मेले को भव्य बनाने के लिए मथुरा के कारीगरों द्वारा साज सज्जा का कार्य किया जा रहा है। मेला देव छठ आयोजन समिति के अध्यक्ष चौधरी शेरपाल सिंह ने मीडिया को बताया कि प्रातः 10 बजे श्री दाऊजी महाराज का श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद शाम को 6 बजे मेले का शुभारंभ होगा। मेला महामंत्री रामनिवास शर्मा ने बताया, यह प्राचीन काल से मेला लगता आ रहा है। सर्व व्यवस्था प्रमुख बिहारी जी सर्राफ ने बताया कि प्रतिदिन 7:30 बजे से श्री कृष्ण लीला रासलीला का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर समिति के सदस्य धर्मवीर सिंह लोधी, सुमेर सिंह, सह संयोजक रेशम पाल, लतेश चौधरी, कंची पहलवान, पवन किराना, छोटेलाल शर्मा, जय शर्मा, राजकुमार बघेल आदि मौजूद रहे। प्राचीन ऐतिहासिक आकर्षक गौरवशाली मेला प्राचीन काल से लगता आ रहा है, जिसे हम अब की बार भव्य रूप दे रहे हैं। लक्खी मेला देवछठ 2023 का नाम हमने इसको दिया है और ये 9 दिवसीय मेला 21 सितंबर 2023 से प्रारंभ होगा जो कि 29 सितंबर 2023 तक चलेगा, जिसका शुभारंभ 21 सितंबर को 6:30 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी द्वारा उसका उद्घाटन होगा। इसमें और भी हमने अति जोड़ बुलाए हैं जो शहर के विभिन्न सामाजिक कारणों से भी संबंध रखते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हमने इसका मेले के उद्घाटन में बुलाए हैं, जिसके शुभारंभ में 21 तारीख से शुभारंभ होगा। प्रातःकाल दाऊजी महाराज का श्रृंगार होगा और उसके बाद 3 बजे मेले को सफल बनाने के लिए यज्ञ हवन का आयोजन किया जाएगा। 6 बजे प्रारंभ होगा। साथ ही प्रतिदिन 7:30 बजे से रासलीला कृष्णलीला का आयोजन प्रतिदिन किया जाएगा और रात्रि 10 बजे तक चले करेगी। इसके साथ ही 21 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम 12 बजे से हो गए, 6:30 बजे पुनः कृष्णलीला और रात्रि 10 बजे से रसिया दंगल। दीपछिट मेला में 3 दिन का हमारा विराट कुश्ती दंगल रहेगा, जिसमें हमारे दिल्ली, हरियाणा और आसपास के आगरा, मथुरा, हाथरस के पहलवान पधार रहे हैं। सभी पहलवानों को हमने निमंत्रण भेज चुके हैं, हमने अपने कार्ड भेज चुके हैं सभी अखाड़ों पर। पहलवान हमने अब ये शर्त रखी है पहलवानों की, पहली बार हमने ये अभी एक नया एक अपना रहे, जिससे अव्यवस्था दंगल में फैलती है वो नहीं फैले। हम 4 बजे दंगल शुरू करेंगे, 2 बजे पहलवानों को हमने बुलाने का निमंत्रण दिया है। 2 बजे आकर के दंगल में ही वहीं पर वो अपनी कुश्ती हमसे लिखवा लें। अगर 2 घंटे पहले वो आ जाते हैं, उनकी कुश्ती लिख जाती है, तो आराम से हम उनकी कुश्ती कराएंगे। 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 9 बजे तक कुश्ती दंगल चलेगा। पहले दिन का दंगल हमारा बाल प्रतियोगिता के रूप में छोटा दंगल होगा, जिसमें लास्ट कुश्ती 21,000 रुपये की होगी, 2100 रुपये की। दूसरा दंगल और तीसरा दंगल में लास्ट कुश्ती हमारी 1,00,000 रुपये की होगी, जिसमें हमने दोनों पहलवानों के नाम भी हमारे पास आ गए हैं और हमने दोनों को तय कर दिया है। एक पहलवान हमारा अलीगढ़ का ही रहेगा, एक हमारा बाहर का रहेगा। जितने भी पहलवान बाहर से आ रहे हैं, हमारी सबसे यही एक वो रहेगी कि वो आकर के अलीगढ़ के पहलवानों से बढ़ाए बाहर की को, उससे कुश्ती कराए अलीगढ़ प्लस बाहर। बाकी कोई आता है बीच में वो फिर देख लिया जाएगा। दंगल हर साल पिछली बार से भी हम भव्य करने जा रहे हैं, दंगल बढ़िया होता है, आप सब देख रहे हैं। देवछठ मेले में 3 दिन का दंगल कुछ दंगल होता है और एक एक दंगल में 100-150 कुश्ती तक हम ले जाते हैं। अब की हमारी इच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुश्ती कराएं और सब पहलवानों की कुश्ती कराएं। बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, एक लखनऊ से आ रही है, एक बनारस से आ रही है, दोनों से आ गई महिला पहलवान और हमारी बात हो चुकी है, सब पर हो चुका है। कल रसूलपुर दंगल में और व्यवस्था खराब हो गई थी, वह बहुत पहलवान आ जाता है, किसी की कुश्ती नहीं हो पाती बीच अखाड़े में, तो हम तो बीच अखाड़े में नहीं कराएंगे, साइड से सबकी जोड़ लगवाएंगे और जिसकी जोड़ लग जाएगी वही पहलवान कुश्ती लड़ेगा। मेले के आयोजन के लिए गांव सभा, ग्राम पंचायत की समिति एवं जनपद अलीगढ़ के, देहात के और शहर के ऐसे लोगों को समिति में जोड़ा गया है, जिससे कि मेला देवछठ को अच्छी तरह से किसी प्रकार का प्रावधान न हो, सभी लोग सहयोग करें और मेला देवछठ पूर्ण रूप से अच्छी तरह चले।